चार प्राइवेट रूम है और एक हॉस्टल रूम है जिसको बंक बेड है, उसमें 7 बेड है। कुछ सुना था कुछ 80 साल पहले बनी है ये। 80 से भी ऊपर हो गया अभी। जय श्री राम, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर मड हाउस देखने, वो एक केलाओं का यहाँ फेमस जगह ना, और 80 साल पहले बनी है वो, बाकी दिखाएंगे हम आप लोगों को ऊपर जाके। और ये देख सकते हो यहाँ पर आप लोग पुराने ज़माने में मूर्तियाँ बनाई गई है कुछ इस तरह से, मेरे को पता नहीं इसके बारे में कुछ उतना ज़्यादा। ये देख सकते हो आप लोग मूर्तियाँ। और अभी जा रहे हैं हम आगे को, यहाँ से जाना है हमारे को अभी ऊपर। ये है केलाओं का व्यू, और नीचे ये हॉस्पिटल, यहाँ से पिछली वाली बिल्डिंग में रुके थे हम, यहाँ पर स्टे किया हमने। और ये देख सकते हो आप लोग केलाओं का व्यू। बाकी हम जा रहे हैं अभी यहाँ से ऊपर को, यहाँ पीछे से जा रहे हैं ऊपर को मड हाउस देखने, जो जो कि यहाँ पर फेमस है बहुत ज़्यादा। ये केलाओं का मेन रोड, यहाँ से ऊपर जाता है मड हाउस के लिए रास्ता, जिस जहाँ पर हम जा रहे हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ पर की लोकेशन, और हम जा रहे हैं अभी यहाँ से ऊपर मड हाउस के लिए। ये देखो इस मड हाउस में जा रहे हैं हम, देख सकते हैं आप लोग, ये मड हाउस है जूम सा मड। ये देखो चारों तरफ कैसी लकड़ियाँ रखी है, विंटर के लिए रखी है लकड़ियाँ इकट्ठा करके। और यहाँ पीछे है मड हाउस जहाँ पर हम जा रहे हैं अभी। ये है जोमसा की लोकेशन, जोमसा मड हाउस की लोकेशन है। और यहाँ पर इस तरह के कुछ बैनर लगाए गए हैं, और ये कुछ यहाँ के लोकल पीपल। और यहाँ पर फिर से जोमसा का फिर से बोर्ड लगाए गए। और ये है यहाँ पर काउंटर, ये बहुत पुरानी, पुराने ज़माने में होती थी इस तरह की, ऐसे कुछ धान धून रखने के लिए, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें उसको रखने के लिए होती थी पुराने ज़माने में। और यहाँ पर अंदर जाना है आप लोगों को तो यहाँ पर दिया गया नंबर, और ऊपर भी है दरवाजे के ऊपर, डोर के ऊपर भी है नंबर, यहाँ से कॉल करके आप लोग अंदर जा सकते हो, इसकी परमिशन लेके अंदर जा सकते हो। और अभी बैठे हम यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, कॉल करते हैं इनको मड हाउस वाले को, तो उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को अंदर का व्यू है। ये हमारे करण भाई, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये नंबर यहाँ पर लगा होता है एक ऊपर भी, तो पहले कॉल करके यहाँ से एंट्री लेके। ये कुछ ऐसी जगह है मतलब शूट वगैरह खोल खोल के अंदर यहाँ पर शूट कर सकते हैं एंट्री। ये कुछ सुना था कुछ 80 साल पहले बनी है ये। 80 से भी ऊपर हो गया अब तो, हो गया वो तो टेंट बन गया 80 का ना, मतलब ये तो उससे भी पहले यूज़ होते थे ये वाला सामान। बाकी एक ऊपर खाना बनाने के लिए, ये पूरा स्टोन का ही है। ये म्यूजियम टाइप है इधर, म्यूजियम टाइप से, ये पुराने इनके चटन चुटनी बनाने के लिए होते हैं। और ये शूज़ है पुराने टाइम के, ये रखे गए पुराने टाइम के हथियार जो यूज़ में लाए जाते थे। और इस साइड को ये पता नहीं क्या है, ये कुछ आग जलाने का है कुछ, उनके वो गोला बनाते थे ना इसको, इसमें लागे ऊन का, ऊन की ऐसे धागे भी बनाते लैंप है, लैंप है पुराने ज़माने की। और ये प्रेस है यहाँ पर, ये हमारी दारू बनाने की मशीन पुराने ज़माने की। और ये नीचे देख सकते हो लोग, और ये घोड़े का और इसकी जो पीपल का सामान लाने के लिए, और इस खेतों में हल जोतने के काम आता है। ये कुछ ज़्यादा चौड़ा है आगे से, और इधर आगे ये कुछ ये बनाए गए जानवरों के खाल से, खाल से छननी टाइप, छननी टाइप। और इसके बाद ये भी छननी है कुछ, ये जो लिखा गया ये लोकल लैंग्वेज में लिखा है यहाँ की, ये किसी हिरण का सींग है पुराने ज़माने का, इतना लंबा बड़ी बड़ी पैरा। इसके अंदर कुछ सामान रखते होंगे, ये हुजिया के चाकू डाने खोखरी, और ये पुराने टाइप की जो चाकू रखने के लिए होते हैं इसके अंदर से डालते हैं गोरखास। और इस साइड को ये कुछ चीज़ें यहाँ पर लोकल वाइन, और ये लोकल वाइन, वाइन डालने के लिए लोकल है। और इसके बाद ये खान सूप वगैरह बनाने के लिए, तुपका वगैरह वगैरह से, ये सूप बनाने के लिए स्टोन का, पूरा स्टोन का है। और आगे ये मटके है कुछ, कैसे कैसे बनाए कुछ नहीं, मिट्टी के बनाए गए शायद, ये पत्थर का होगा। और ये जालू, जालू
ये किस काम है? वाइन बून रखते दिन में स्टोर करके, चीज में जैसे वाइन बून स्टोर करके रखते हैं शादी ब्याह में डालने के लिए। और इस साइड को इसको ये चाय बनाने के लिए बटर टी, और ये बटर टी है जिसमें टी बिक्री बनती है। और ये मिक्सर पुराने जमाने का मिक्सर है शायद, इस तरह के कुछ पुरानी चीजें हो ना। ये कुछ है इधर रूम अगर बुक करने हो गेस्ट के लिए, बढ़िया पुराने जमाने वाला सिस्टम पिलर है। यहाँ से कुछ बालकनी भी है, खुलती होनी कि नहीं है। टेबल है और इधर है कुछ बोन फायर के लिए, तो खुद को गर्मी देने के लिए थोड़ा, सर्दियों में विंटर में ज़्यादातर ये लगे हैं बेड। ये है मर्ड अपनी मेरे पर्सनल मीरा, ऐसा जैसा है कुछ रूम्स। और एक म्यूजियम है ऊपरी साइड, उसको दिखाते हैं जरा आपको। ड्राई टॉयलेट भी दिखा दूँ तो। अच्छा पुराने टाइम का, अच्छा पुराने टाइम विंटर में यूज़ करते हैं जब पानी वगैरह फ्रीज हो जाता है। अच्छा पानी मिलता है तब इसको, ये वाला टॉयलेट है जैसे पानी फ्रीज होगी तो तभी चलेगा। तो मतलब विंटर में पूरा स्नो होती है यहाँ पे, तो हम इसको यूज करते हैं। ये टॉयलेट है इधर, अच्छा डायरेक्ट ही है ये। हाँ ये डायरेक्ट है, कुछ ऐसे टाइम का है जो डब्बे इसमें खाद है इसको डालते हैं, मतलब जो स्मेल होती है वो नहीं आती है। अच्छा खाद से बढ़िया साइड देखते हैं। और ये है यहाँ पर की लोकल ड्रेस लेडीज़ की, जिसको कुछ फंक्शन फंक्शन में कुछ पहनते होंगे इनको। ये है कुछ बड़े पुराने ज़माने का टीवी, ऐसे कुछ ये बंद होता है खुलता है। अरे बटन पुराने ज़माने की लाइट ऑन खोल दो। ये है एक दूसरा रूम सेकंड फ्लोर पे, ये कुछ। और यहाँ पर भी कुछ बेड लगे उसकी तरफ से, कुछ बार का व्यू काफी काफी बेहतरीन व्यू है। वैसे देख सकते हो आप लोग माउंटेन दिखते हैं सामने बर्फ के यहाँ से। और ये देख सकते हो आप लोग पिलर किस तरह से बनाए गए डिजाइन में। ये देखो यहाँ पर श्रृंगार बॉक्स, श्रृंगार पुराने जमाने का इसी साइज तरह से कुछ लाया गया। और ये एक सरकार जरा दूर न जाए। और ये हिस्ट्री थोड़ी पुराने टाइम के राजा वगैरह जो यहाँ पे हुए हैं। ये ड्रेस ये है बुफे सिस्टम, किसी ने आना हो पार्टी पुर्टी करने यहाँ पे बढ़िया इंजॉय कर सकते हो। हमारे करण भैया आपका स्वागत करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह की चिमनी लगाई गई, इसमें बॉनफायर लगा दूंगी। ये देख सकते हो। और इसमें नीचे क्या बनता है? कुछ बनता है नीचे नहीं, ये मतलब ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन के लिए ना। इसको खोलेंगे यहाँ से हीट लेगा तो ये पाइप के ऊपर कोई जलना के लिए। और यहाँ पर खाना खाने के लिए पार्टीज होती है इधर, वैसे आप करना चाहो तो। और ये यहाँ का टेरिस, यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है वैसे यहाँ से। और ये देख सकते हो आप लोग यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है वैसे, 360 व्यू चार तो का व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से शायद नीचे जाने का रास्ता वो बंद है अभी। और यहाँ से नीचे से एंट्री गेट है अंदर को। और ये नीचे से रास्ता आता है यहाँ से ऊपर को, नीचे रोड से ऊपर ये रास्ता है और यहाँ से एंट्री है। जैसे यहाँ पे शूटिंग का आपका सब कुछ फ्री में ही हो जाएगा, आओ शूट करो अपना बढ़िया। क्या लॉन्ग से ही पड़ता है ओल्ड बस स्टैंड से ये 5 मिनट ऊपर, बाकी भाई बताएंगे आपको अगर बुक करना रुकना हो कितने दिन क्या सिस्टम है। अब हमारे पास 4 प्राइवेट रूम है और एक
हॉस्टल रूम है जिसको बंक बेड है, उसमें 7 बेड है। तो मतलब दो तो हमारे पास फैमिली रूम है इतने बड़े, इसमें मतलब 2-3 लोग आराम से आ जाते हैं फैमिली रूम। तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड रूम है, ये प्रीमियम रूम है, एक स्टैंडर्ड रूम है, उसमें मतलब वो कपल्स के लिए है, मतलब उसमें 2 लोग रुक सकते हैं। और सोलोज के लिए भी लॉन्ग स्टे करना हो तो सोलो रूम भी है हमारे पास, अगर प्राइवेट रूम चाहिए काम वर्क करने के लिए। और जितना हम आप लोगों को एक्सप्लोर करवा सके उतना हमने करवा लिया, बाकी आप यहाँ पर खुद आके देख सकते हो और यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो। वैसे स्टे का आप लोगों को मैंने बता दिया होगा, और हम जा रहे हैं अभी यहाँ से वापस नीचे को। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।